हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा इंटरेस्टिंग से वीडियो लेकर आई हूँ और बहुत ही यूजफुल होगा आप सबके लिए, आई एम श्योर। क्योंकि गाइस क्या हो रहा है, अभी चल रहा है क्वारंटाइन टाइम और उस टाइम पे हमें जो हम गर्ल्स होते हैं उनके आईब्रो बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है या विद इन वन मंथ तो ग्रोथ हो ही जाती है कि हमें मंथ में एक बार तो जाना ही पड़ता है पार्लर या फिर अर्बन क्लैब को बुलाना पड़ता है सर्विसिंग के लिए। बट इस टाइम पे सारी सर्विसिंग बंद है, पार्लर बंद है, इवन सारी चीजें बंद है, सारी सर्विस बंद है। तो आई एम श्योर बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होंगी, बहुत सारी ऐसी लेडीज होंगी जिनको आईब्रो बनवाने के लिए सोचना पड़ रहा हूँ कि कहाँ जाए क्या करे, क्योंकि आईब्रो नहीं बनती तो फेस जो है ऑटोमेटिकली अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी आईब्रो बनाई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस कि मेरी जो आईब्रोज है बहुत ही प्रॉपर तरीके से बन गई है और मैंने अपना फोरहेड भी बनाया है, आईब्रो बनाया है और किससे बनाया है, वो बनाया है सिर्फ और सिर्फ एक रेजर से। तो बट गाइस आप रेजर से आईब्रो एंड फोरहेड अपर लिप भी इवन बना सकते हो, बट आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि गाइस अगर एक बार आपके आईब्रो उड़ गए तो नहीं आ सकती। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग ये ट्राई कर रहे हो जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना होगा आपको, अदरवाइज आपके लिए ना बहुत ही प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से मैंने अपने आईब्रोज को बनाया है और फोरहेड को बनाया है। और गाइस ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करेगा, शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी जो आईब्रोज है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गई है। आप दोनों आईज में देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है मेरे आईब्रोज की, और मैं इसको जो है इस तरीके से आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी आईब्रोज है वो बहुत ही ज़्यादा हल्की लाइट ब्राउन कलर की है, इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से कैमरे में नहीं आ रही है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है जो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती अपनी आँखों पर। और ये इरेजर है, इससे ही मैं करने वाली हूँ और मैं बहुत नर्वस हूँ, तो मैं भगवान का नाम ले रही हूँ कि भगवान मेरी आईब्रोज जो है ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैं अपनी आईब्रोज को जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने, और इस तरीके से मैं अपने धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली कर रही हूँ गाइस। तो अगर आप भी कर रहे हैं ये वीडियो देख के तो बहुत ही केयरफुली करिएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिएगा क्योंकि गाइस आईब्रोज एक बार अगर आपकी रेजर से साफ हो गई ना तो फिर कभी आती नहीं है, इसलिए बहुत ही आराम से बहुत ही केयरफुली करिएगा। तो मैं भी इस तरीके से कर रही हूँ, बहुत ही ध्यान से कर रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा मुझे कि किस तरीके से करना है क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, मैंने कभी भी नहीं किया है। तो मैं जो है ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से हो जाए क्योंकि ये क्वारंटाइन टाइम पे अब कुछ भी नहीं ओपन है तो हमारी मजबूरी है, और मैंने ऐसा कुछ पार्लर का कोर्स वगैरह भी नहीं किया है तो मैं बहुत ही आप कह सकते हो एक तरीके से जान हथेली पे लेके काम कर रही हूँ। तो आपको इस तरीके से करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा फोरहेड भी बना रही हूँ क्योंकि फोरहेड भी मैं बनाती हूँ, तो फोरहेड तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इस तरीके से आप दिखाने का ट्राई कर रही हूँ मैं कि आप देखिए हेयर दिख रहा होगा, बट कैमरा थोड़ा बहुत कैच नहीं कर पा रहा है, बट मेरे बहुत अच्छे से हेयर उसमें रिमूव हो गया आप देख सकते हैं, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से मैंने इस वाले राइट आई में अपने कर लिया है। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे बहुत ही केयरफुली बहुत ही धीरे धीरे अपनी आईब्रोज को मैंने निकाला है और जो है सेट किया है। सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा मुझे नर्वसनेस थी कि पता नहीं कैसे होगा क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं कर रही हूँ उस तरीके से। तो उस तरीके से आप देख सकते हैं गाइस कि मैं हर तरीके से रेज़र चला रही हूँ कि किस तरीके से अच्छे से इजीली जो है जो मेरा आईब्रोज है मेरी सेट हो जाए। तो उस तरीके से आप भी सेट कर सकते हैं बट बहुत ही केयरफुली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं अपनी आईब्रोज की जो लेंथ है थोड़ी सी कम कर रही हूँ क्योंकि जो मेरी एक्चुअल लेंथ है वो कम है, और ये जो आप देख रहे हैं ना आगे ये सब ग्रोथ है जो कि जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हो और आप देख सकते हो दोनों आईज में थोड़ा डिफरेंट आपको दिख रहा होगा डिफरेंस। तो इस तरीके से मेरी आईब्रोज जो है ग्रोथ इस तरीके से मैं अपनी निकाल रही हूँ, और इधर की भी मैं थोड़ा सा लेंथ इसको कम कर रही हूँ, और इसके बाद जो है नीचे की जो ग्रोथ है उसको मैं फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ कि पहले वो निकल जाए बट मेरी जो आईब्रोज है वो बची रहे। तो इस तरीके से जो है मैं निकाल रही हूँ अपनी आईब्रोज को, और जो है गाइस सच बता रही हूँ मैं क्या बताऊँ सच्ची में, आप कभी भी करना ना अगर ये वीडियो देख के आप कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा केयरफुली करना गाइस, बिल्कुल भी एक्साइटेड मत हो जाना कि अरे वाह मैं तो कर सकता हूँ, मेरे पास तो एक मिल गया है मुझे टिप्स कि कैसे करना है, बट गाइस बहुत ज़्यादा केयरफुली करने की ज़रूरत है।
तो मुझे अपनी राइट आई में वापस से दिख रहा था कुछ ग्रोथ, तो मैंने निकाला एक दो बाल, वापस से मैं लेफ्ट आईज में निकाल रही हूँ। और गाइस सच बता रही हूँ यार, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो फोरहेड कर ही लेते हैं, तो मैं पहले जो है फोरहेड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये तो फोरहेड तो बहुत ही आसानी से हो गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ, और जो मेरे आईब्रोज के ऊपर के हेयर है वो बहुत ही आसानी से निकल गए हैं, आप देख सकते हैं। और मैं इसको शेप भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से दे पा रही हूँ ऊपर के, बट जो आईब्रोज के नीचे के ग्रोथ है ना, वो देने के लिए मेरी सच में तो नानी याद आ गई थी। तो इस तरीके से मुझे करना कर रही हूँ मैं, और बस एक बात का यही डर है कि ऐसा नहीं कि मेरे आईब्रोज निकल जाए, बट मुझे करना है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है मेरे आईज मेरे यू नो आईब्रोज ख़राब लगे देखने में। तो आप देख सकते हैं फोरहेड कितनी आसानी से बन गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है निकल गया है सारा हेयर, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से लग रहा है, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये देखिए गाइस, मैं बार बार हेयर को निकाल रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, वापस अपने हेयर आईब्रोज को बना रही हूँ फोरहेड को, और साइड के भी हेयर मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि साइड के जो हेयर होते हैं वो भी बहुत इरिटेटिंग लगते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। छोटे 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 होते हैं जो कि कैमरा में कैप्चर नहीं होते हैं, बट अगर आप रियल में देखेंगे तो वो दिखते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर यहाँ पर जो थोड़े से यू नो बाल है वो मैं निकाल रही हूँ, और ये जो दूसरे आईज में जो है ना, जो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ थोड़े से बाल मेरे निकल के आते हैं आईब्रोज के, तो वो भी मैं सीजर से कट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है कि मेरी आईब्रोज ख़राब रहे। तो इस तरीके से कर रही हूँ, और बिना पार्लर का कोर्स किए, बिना पार्लर जाए, मैं अपने आप से खुद से कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, एंड श्योर बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए, और जो है आई एम श्योर आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा किस तरीके से बना सकते हैं, बट आपको बहुत 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 ज़्यादा केयरफुल रह के बनाना पड़ेगा। चलिए आज मिलते हैं अच्छे से प्यारे से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी स्टे ग्रो, बाय गाइस।